भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली वाणी श्रीमद् भागवत गीता है। शुद्ध चित होकर प्रेम से इस पवित्र गीता का पाठ जो करता है, वह डर और दुखों से दूर हो परम धाम को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्रवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की, ऐसी पांडवों की विशाल सेना को देखिए। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन सभायुधिः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। उस सेना में अर्जुन और भीमसेन के तुल्य विशाल धनुष वाले युयुधान, राजा विराट तथा राजा द्रुपद जैसे महारथी हैं। दृष्टकेतुश्चकितानः काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजी कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशी नरेश, राजा पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य हैं। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अति पराक्रमी युधामन्यु व महाबली उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों विंध्यादिक महारथी पुत्र भी उधर स्थित हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञानार्थं ताम्रवीमिते। हे द्विजराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर सेनापति हैं, उनके नाम मैं आपकी जानकारी के लिए आपके सामने कहता हूँ, उन्हें सुनिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वथामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हमारी सेना के मुखिया में आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य और वैसे ही अश्वथामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्रा प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ये अन्य मेरे अनेक शूरवीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे हित के लिए आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। सो भीष्म से सुरक्षित मेरी सेना शक्तिशाली है, किंतु भीम से सुरक्षित उनकी सेना कमजोर है। इसीलिए आप लोग युद्ध के लिए अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर भीष्म की सब प्रकार से रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्छे शंखं दघ्मु प्रतापवान। इतने में ही दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध व प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर ऊंची ध्वनि में शंख बजाया। ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवान् कगो मुखाः
सह सेवाभ्य हन्यंत सह शब्दस्तु मूलो भवत। तब तो शंख भेरी पणव आणक गौमुख आदि बाजे एक साथ बजने लगे जिनसे भयंकर ध्वनि हुई। ततः श्वेतैर हर्येर युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। इसके बाद श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त ऊंचे रथ में बैठे श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। पांच जन्यं ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंडुम दघ्मु महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण ने पांचजन्य अर्जुन ने देवदत्त व भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख नकुल और सहदेव ने सुबोध और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कायश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकीश्चापराजितः। फिर धनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट और अजेय सात्यकी द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक्। तथा हे राजन राजा द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु सभी अपने अपने शंख बजाने लगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वह तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को गूंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर मध्ये रथम अस्थापय मे अच्युत। हे महीपते पांडव पुत्र कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख शस्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेकर खड़ा करें। यावदेता निरीक्षेहं योद्ध कामान वस्थितान कैर्मया सह योद्ध व्यमस्मिन् रण समुद्यमे। जिससे मैं यह देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं और इस युद्ध भूमि में मुझे किस किस से लड़ना है। योत्स्यमानान वेक्षेहं य एतेन समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। राष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित करने वाले कौन कौन यहाँ एकत्र हुए हैं यह भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर मध्ये अस्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोले अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरु नीति। भीष्म द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा हे पार्थ युद्ध के लिए उद्दत इन कौरवों को देखो। तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थः पितृनथ पिता महान आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया परया विष्टो
विषीदनीदमब्रवीत। अर्जुन ने वहाँ चाचा पितामह आचार्य मामा भाई पुत्र पौत्र मित्र जनों तथा ससुर स्वजन एवं बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़े देखा। सबको खड़े देखकर अर्जुन परम दयापूर्वक शोक युक्त होकर बोले, अर्जुन उवाच, दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, युद्ध के लिए उद्यत स्वजनों को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जाता है। वेप युद्धश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रम सते हस्तात्व कचेव परिदह्यते। मेरा शरीर कांपता है, शरीर में रोमांच हो आया है, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है और देह की त्वचा जली जाती है। न च शंकोम्यवथास्तुम भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ, मेरा मन घूम रहा है और अपशकुन भी बुरे बुरे देख रहा हूँ। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांरक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, समर में स्वजनों को मारकर मैं कुछ भलाई नहीं देखता, युद्ध में विजय और राज्य का सुख की मेरी कोई इच्छा नहीं है। किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा ये शार्मर्थे कांगक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। हे कृष्ण, हमको राज्य सुख तथा जीवन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की कामना करता था। तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पौत्रास्तेव च पितामह। वे आचार्य पिता पुत्र पितामह सब प्राण और धन की आशा को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े। मातुलाः स्वसुराः पौत्राः शालाः संबंधिंस्तथा एतान हन्तुमिक्षामि घ्नोतोऽपि मधुसूदनः। हे मधुसूदन, मामा ससुर पौत्र साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। आपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन। हे जनार्दन, मैं इन्हें तीनों लोक के राज्य के लिए भी नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए क्या मारूं? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानात् ताइनः तस्मानार्हा वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् ही कथम् हत्वा सुखिनः श्याम माधवः। इन आतताइयों को मारने से मुझको पाप ही मिलेगा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं हैं। हे माधव, आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि ये दुर्बुद्धि लोभवश कुलक्षयकृत दोष और मित्रद्रोह कृत पातक को भी नहीं देखते हैं। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। तो क्या हमको भी ये उचित नहीं है कि हम इस पाप को दूर करने का प्रयत्न करें? हे जनार्दन, कुल छह के दोषों को जानने वाले मुझको इस पातक से अवश्य बचना चाहिए। कुल छह प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो अभिभवच्युत। कुल क्षय होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाशर्णेय जायते वर्ण संकर। हे वृष्णिवंशी कृष्ण, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है और उसके व्यभिचारिणी हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो। संकरो नरकायेव
कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल क्षय करने वाले को उसके कुल को नरक पहुंचाता है, क्योंकि पिंड और तर्पण के बंद होने से पितर नरक में गिरते हैं। दोषैरे तैः कुलाघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। कुल घातियों के लिए इन वर्ण संकर कारक दोषों से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से अनियत समय पर नरक में वास करना पड़ता है। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। अहो, फिर भी हम लोग इतना बड़ा पाप करने को उद्यत हैं, जो राज्य सुख के लिए आत्मीय जनों को मारने का उद्योग कर रहे हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि रण में निरस्त्र मुझे मारे तो भी मेरा बहुत ही कुशल हो। संजय उवाच। एव मुक्त्वार्जुनः शंख्ये रथोपस्थ उपाविशत विश्रेज्य ससरम चापम शोक संविग्रमानसः। संजय कहते हैं, रणभूमि में अर्जुन ऐसा कह धनुष बाण फेंक शोक ग्रसित मन वाले हो रथ के पीछे जा बैठे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगे नाम प्रथमो अध्यायः। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रहते हैं, इसमें कोई पवित्र तो नहीं है? फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, आप वह कृपा करके हमें कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ। उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ तो ऐसा कोई कहानी हमें सुनाइए। श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम उसे श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्ते हैं जो जीव तामसी हैं, फिर भी आप तो तीनों गुणों से अतीत नारायण जी प्रभु वासुदेव हो, आप तो नेंद्र मुंदे हो, यह मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप्ता है, एक शब्द रूप है जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूपी है, वैसे ही गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये मेरे अंग हैं, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है, संपूर्ण गीता के जो श्लोक है वह मेरी नारियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं वे मेरे रोम हैं। ऐसा जो शब्द रूपी गीता ज्ञान है उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोले, हे नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसी को सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है सो मुझे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं सो तुम सुनो। श्रवण नामक शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए, मरकर उसने बहुत नरक भोगा, फिर भी बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया, वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था, जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वो अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता था। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता था, उसके खाने पीने की भी खबर न लेता।
कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दिया जाता था। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो यह बैल भूख के मारे गिर पड़ा और उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग उसे देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण ही नहीं छूट रहे थे। एक दिन एक गणिका आई, उसने मनुष्यों से पूछा कि यह भीड़ कैसी है। उसने कहा कि एक बैल है, इसका प्राण ही नहीं निकल रहा है। हम लोग अनेक पुण्यों का फल दे चुके हैं लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने कहा कि जो कर्म मैंने किया है उसका सारा फल इस बैल के निमित्त मैं दान करती हूँ। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब यह बड़ा हुआ पिता इसको विद्या में दक्ष किया तो इसके पिछले जन्म की सुध भी इसे याद थी। यह अति सुंदर और बुद्धिमान था। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, नहीं मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरा तेरा क्या पहचान, तू विप्र है, मैं विश्या हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता गणिका जिससे तूने मुझे मुक्त कराया। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने में कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरु जी से कहा मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है, तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ कर ले गया, एक विप्र ने मुझे मोल लिया। हुआ विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था, तब मैं भी वही पाठ सीख गया। एक दिन विप्र के घर चोर आए, उसको धन तो प्राप्त नहीं हुआ लेकिन मुझे मेरा पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र है, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्र गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, यह सुनती है पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता है। मैं जो भी पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो गीताश्री के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते तू भी विप्र है, मैं मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो, सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी, इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जो कोई अर्थ न जानकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उन सबकी मुक्ति हो जाएगी, उन सबका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार गीता के पहले अध्याय का महात्म यही हमें सिखाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।